हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर, एक्चुअली लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें जो लोग मेनली डिस्कशन करेंगे वो होगा अपना पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट या पार्टिकुलर का कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप लोग डिस्प्लेसमेंट को जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दो किसी पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, कंपोनेंट एडिशन सब मिला करके एक साथ प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज का लेक्चर का मतलब मेन जो पर्पस है, ये तीन टॉपिक, ये तीन चीज़ को मुझे आज के लेक्चर में कवर अप करना है। ठीक है, तो सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी। आई एम योर फिजिक्स टीचर आकिल सर। ठीक है, आई एम एक्स फैकल्टी कोटा। वेक्टर पर लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है क्या एक्चुअली? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोजीशन वेक्टर। देखिए, वेक्टर विच टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। वेक्टर वेक्टर विच टेल्स टेल्स अबाउट अबाउट पोजिशन पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल या पॉइंट जो बोलना बोल लो। ठीक है, इस कॉल्ड पोजिशन फैक्टर, पोजिशन फैक्टर। सिंपल। ठीक है, अब देखो कैसे आपका वेक्टर पोजीशन को शो करेगा, आप सोचो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए। दोस्तों, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई वाला सिस्टम मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड वाला सिस्टम मानना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ से स्टेशन का पोजिशन बताना है कि स्टेशन किधर है, रेलवे स्टेशन एक्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे घर की तरफ, मेरे जहाँ पर मैं हूँ उसके, ठीक है, राइट साइड में, इस तरीके से हम लोग पोजिशन मतलब बताते हैं कि आपका, ठीक है, आपका क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉपी कलम पे कैसे बताओगे? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि मान लो ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। पोजिशन वेक्टर में से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बताएंगे आपको, जो वेक्टर पढ़ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हो, कहाँ पर होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब मान लो ये कोई पॉइंट है आपका, कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट क्या है, ए। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो आपको बोला क्या कि बताओ ए का पोजिशन वेक्टर कौन सा होगा। तो तरीका सुन लो, तरीका क्या होगा, आप यहां पे खड़े हो जाओ, आप कहाँ खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो आप किधर बताओगे, डायरेक्शन किधर है ए का? तो आप ऐसे बताओगे ना, ए का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से बताते हैं, यहां से इस तरह से ए लो और इस तरीके से। ठीक है, देखो ये जो फैक्टर है इसका, ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन वैक्टर। इसको क्या बोलेंगे, पोजिशन वैक्टर। डिनोट करते हैं आर से। पोजिशन वैक्टर को डिनोट किसे कहता है? डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाय आर वेक्टर। ठीक है, तो आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए है, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी लिखोगे तो यहाँ पे सफिक्स में बी डाल देना। पोजिशन ऑफ वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी लिखना है तो सफिक्स में सी डाल दो। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको लोग। क्या बात समझ में आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, जब भी आपको पोजिशन फैक्टर बनाना बताना रहता है तो आप किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से या किसी ना किसी रेफरेंस से बोल रहे होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से आपको स्टेशन का मतलब डायरेक्शन बताना, पोजिशन बताना स्टेशन का, तो कैसे बताओगे? आप अपने आप को रेफरेंस मानोगे और आप बोलोगे इस डायरेक्शन में तुम चले जाओ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप डायरेक्शन दिए, वेक्टर हो गया, डायरेक्शन बता दिए। अब 5 किलोमीटर जो बोले तुम, वो क्या हो गया आपका, वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वही तो वेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या बताएं, आप यहाँ पे लेंथ बता दिए, दूसरा एरो बता दिए, मतलब आपको अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको इस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, ये जो लेंथ है उतना ही चलना पड़ेगा, तो आप पहुंच जाओगे वहां पे। तो पोजिशन वेक्टर सिंपली वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट या पार्टिकुलर क्या बताता है, पोजिशन बताता है। ठीक है, चलो और कुछ कुछ बात कर लेते हैं। सपोज करो इस ए का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, क्या है, मान लो ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब देखो यहां से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक चीज तो बता सकते हो ना, इसमें एक्स कौन सा होगा, ये वाला एक्स होगा, ये वाला एक्स होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा भाई, होगा। अब तुम वेक्टर में सोचो, किसमें सोचो, वेक्टर में सोचो। देखो यहां से यहां तक ये एक्स डायरेक्शन में, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक किसमें है, ये वाई डायरेक्शन में, किसमें, वाई डायरेक्शन में। ठीक है,
मैं इसलिए अब सपोज करो यहाँ पे जाना है तो क्या एक्स में तुम इस डायरेक्शन में एक्स चलोगे, वाई में तुम इस डायरेक्शन में कितना चलोगे, वाई चलोगे, तभी तो इस पॉइंट पे पहुँचोगे ना, पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं ए एक्स वैक्टर, मान लेते हैं इसको, मान लो आप ए वाई वैक्टर, क्या मान लो ए वाई वैक्टर, ए वाई वैक्टर इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन को, तो आप ए एक्स वैक्टर को क्या लिख सकते हो, आप एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में चले इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए, तो क्या लिखोगे ए एक्स वैक्टर को, मैं मान ले एक्स वैक्टर है वो, ए एक्स वैक्टर को क्या लिख सकते हो आप एक्स आई कैप, एक्स मतलब मैग्नीट्यूड एक्स है ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, किधर है डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन, तो एक्स के डायरेक्शन में अगर उसको वेक्टर बनाना है तो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर आ जाएगा। उसी तरह आप ए वाई कैसे लिखोगे, ए वाई वेक्टर कैसे लिखोगे, वाई जे कैप ठीक है। अब देखो ट्रायंगल लॉ से देखो, ट्रायंगल लॉ से देखो, एक वेक्टर जिसका हेड दूसरे वेक्टर टेल से लगा हुआ है, देखो दिस प्लस दिस बराबर दिस होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आर वेक्टर बराबर क्या होगा आपका, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, होगा या नहीं होगा, ए एक्स ए वाई वैक्टर को लिख दो तो आर वैक्टर बराबर कितना हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यही पोजिशन वैक्टर हो गया आपका। मतलब कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, कोई पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो उसका पोजिशन वैक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल। जैसे मान लो सपोज करो कि आपसे आपसे पूछा कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ आपको 1.3, तो बताओ मान लो एक आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1.3, आपसे पूछा फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऑफ पॉइंट ए, क्या बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स कैप क्या है 1 है, वाई की जगह कितना है 3, तो कितना हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी कोई पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका एक्स के जगह कितना है 1 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सिंपल। तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप ठीक है। अगर मान लो थ्री डायमेंशन होता है ठीक है, मान लो फोर थ्री डायमेंशन, फोर थ्री डायमेंशन, मान लो किसी पॉइंट का, मान लो कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है ठीक है, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ, पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ ऑफ ए पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए बराबर क्या होगा आपका, होता है इसी तरीके से सेम लिखते हैं एक्स ठीक है आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिखा है आपका। अच्छा आप ए पॉइंट ए के जगह कुछ भी ले सकते हो, आप कंफ्यूज इस बात में मत होना सर, आप ए क्यों लेके समझा रहे हो, आप ए के जगह कुछ भी ले सकते हैं ठीक है। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जेड के कैप, सिंपल, ये याद होना चाहिए आपको ठीक है। मान लो कि कहीं पे पोजिशन वेक्टर दिया हो आपको 2, सॉरी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो 2.3.4 ठीक है, मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हो आपको, एग्जांपल पे मैं ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना दे रहा है 2.3.4, आपसे पूछा फाइंड फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, तो तरीका क्या होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी लिखने का, तरीका बता दो, पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, वही एक्स के जगह पे क्या 2 है, तो 2 आई कैप, एक्स के साथ आई लगेगा, वाई के साथ जे, और जेड के साथ के, जेड जेड वाले कोऑर्डिनेट के साथ क्या लगेगा के, तो बता दो क्या होगा 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 k कैप, सिंपल। मेरे ख्याल से पोजिशन वेक्टर लिखना सीख गए ना, तो आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा उस पॉइंट का, आपको बोलेगा पोजिशन वेक्टर क्या होगा, या फिर आपको खुद से निकालना पड़ता है पोजिशन वेक्टर ठीक है, आपको बस कोऑर्डिनेट पता चलेगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजिशन वेक्टर लिख लोगे आप, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। और देखो तो आपको क्या बताया गया पोजिशन वेक्टर, आपको एक्चुअली क्या होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए सारा चीज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रहे हैं ठीक है। कहाँ पर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हो ठीक है, वहाँ से दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो या फिर थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस भी ले सकते हो अगर थ्री डायमेंशन है। तो देखो अगर एक्स वाई वाला सिर्फ एक्सिस है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप हो जाएगा पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का ठीक है। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, मतलब उसको थ्री डायमेंशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको थ्री डायमेंशन, अगर वो है तो अगर उस किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का वाई का जेड है, एक्स के जगह पे मान लो कुछ नंबर होगा, वाई के जगह पे कुछ नंबर होगा और जेड के जगह पे कुछ नंबर होगा ठीक है, तो उसका पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सिंपल।
अच्छा एक चीज़ को याद रखिएगा, एक चीज़ को आपको याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ। अगर कहीं पर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या कुछ भी ले लो, यहाँ एक्स ही ले लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा आपका, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अरे यहाँ पर भी अगर आपको बोला मॉडुलस ऑफ आर ए बताओ, मॉडुलस ऑफ आर ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, जेड स्क्वायर का रूट। और मॉडुलस ऑफ आर ए क्या देगा, लेंथ ऑफ पोजिशन वैक्टर, मतलब ऑरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है वो देगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कोई वैक्टर बराबर को दिया हुआ है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप, तो देखो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा। अच्छा मैं यहाँ पे ए वेक्टर ले रहा हूँ, कोई भी वेक्टर होगा चलेगा, बार बार मेरे माइंड में ए ही आ जा रहा है तो इसलिए मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ए वेक्टर बराबर, मैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा आपका, रूट ओवर थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है ना, वन का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है आपका ये, अच्छा मान लो यहाँ पे दो ही रहता, जेड नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, जेड स्क्वायर नहीं होता क्योंकि जेड तो जीरो है ना इसमें, ठीक है। क्या ये बात थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है पोजिशन वैक्टर के बारे में, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चा अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसका बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। होता है क्या, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज करो यहाँ से देखो फिगर देखो अच्छे से, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। मान लो कोई पॉइंट है ए, कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे था, ठीक है, और इसका मान लो कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन ले लो, ठीक है, इसको पॉइंट वन ले लेता हूँ। मान लो कोई पॉइंट वन पे था, फिर है ना वो घूमते फिरते किसी तरह से पॉइंट टू पे चला गया, पॉइंट टू पर इसका कोऑर्डिनेट जो मैं ले रहा हूँ एक्स टू कॉमा वाई टू ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन कोई पॉइंट वन है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है टू। तो कोई पार्टिकल जो यहां से यहां आ रहा है, जो यहां से यहां आ रहा है, वो कोई पाथ लेकर के आ सकता है, वो कोई भी पाथ लेकर के आ सकता है। वो हो सकता है देखो मान लो एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट कहां पे है बी, पॉइंट यहां से यहां आया, पार्टिकल मतलब आपका यहां से यहां आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो वो कोई भी पाथ लेकर के आ सकता है। मान लो वो ऐसे भी आया, या सपोज करो वो ऐसे ही आया, वो सपोज करो ऐसे ही आया, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा आपका, मिनिमम डिस्टेंस कौन सा आपका, ये वाला, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो ये वन से टू गया है तो डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। अरे वन से टू गया है ना पार्टिकल, ये टू ले लो, वन से टू की तरफ गया है तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो वेक्टर जो किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को दिखाए उसको क्या कहते हैं वो लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर है ना विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सिंपल, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से बताओ कोई पार्टिकल वन से टू गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अरे यही होगा ना, मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ उसको, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी आर से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। वन से टू गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, एरो इधर ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट तो बीच का मिनिमम लेंथ जो होगा वही तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डायरेक्शन क्या होगा, वन से टू की तरफ गया तो इधर होगा डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका सुन लो, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकालने का मैं तरीका ही बता देता हूँ आपको, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका सुनिए क्या है, आप इस दोनों का पोजिशन वेक्टर लिखो, पहले क्या लिखो पोजिशन वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से होगा, क्या होगा R1 वेक्टर होगा ना। अरे यही तो इसका पोजिशन, वन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, टू पॉइंट का पोजिशन वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला एरो। देखो एरो मैं सही लिख रहा हूँ ना, मैं आपको बताया पोजिशन वेक्टर का एरो जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, पॉइंट की तरफ होता है,
ठीक है, ये कौन सा पोजिशन वैक्टर ऑफ टू। तो आर वन जो है आपका क्या है, आर वन जो पॉइंट है, आर वन जो है वो क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट वन सॉरी। एंड आर टू वैक्टर कौन सा है, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट टू, ठीक है। और ये जो आर वैक्टर है आपका, आर वैक्टर ये कौन सा वैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। या इसको आप बहुत तरीके से देखोगे, जैसे देखो वन से टू के तरफ गया तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आर टू वन, ठीक है, आर टू वन ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग इसको, सिंपल आर ही बोलोगे तो चलेगा, वन से टू गया है, ठीक है। अब तरीका सुनो आप, देखो अब देखो यहां से अच्छे से देखना और थोड़ा सोचना, ठीक है। देखो आप यहां से यहां गए ना, अब देखो एरो देख लो इसका, इस R2 वेक्टर एरो यहाँ पे, R1 वेक्टर एरो यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एरो यहाँ पे। ट्रायंगल लॉ सोचो, ट्रायंगल लॉ सोचो, देखो अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में और तीसरा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस दोनों का सम तीसरे के बराबर होता है, नहीं होता है, इसमें भी देखो वही होगा। देखो यहाँ पे ये वाला वेक्टर, आर वन वेक्टर को देखो और आर वेक्टर को देखो, दिस प्लस दिस बराबर दिस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ये एक ही ऑर्डर में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये अपोजिट में है, ठीक है, किसमें, अपोजिट में। तो दिस प्लस दिस कौन सा लॉ बोल रहा है, ट्रायंगल लॉ से, दिस प्लस दिस बराबर दिस वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो यार, होगा, यस सर होगा, क्यों नहीं होगा। फिर से ट्रायंगल लॉ से सोचो, एरो मेरो का बड़ा अच्छे से ध्यान देना दोस्त, ठीक है, एरो में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं कैसे एरो लिया हूं मैं आपको अच्छे से बता दिया हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी बता दिया हूं आपको। जो ट्रायंगल लॉ से सोचोगे तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, देखो देखो इसका हेड इसके दूसरे से टेल से लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो तो इस दोनों का समेशन इसके बराबर होगा ना ट्रायंगल लॉ से, मैं आपको ट्रायंगल लॉ अच्छे से बताया था। तो क्या होगा यहां से देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, आपका क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर क्या होगा, R2 वेक्टर। बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखो यहां से आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका, R वेक्टर बराबर हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं R21 वेक्टर, मतलब एक से दो गया ना तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, ये फाइनल पॉइंट हुआ, अरे यहां से यहां गए तो ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ, तो फाइनल वाले को पहले लिखे, इनिशियल वाले को बाद में, बराबर क्या होता है आर टू माइनस आर वन, मतलब फाइनल माइनस फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पोजिशन वैक्टर, फाइनल मतलब जो अंत में जो जहां पर पहुंचा वहां पर जो पोजिशन वैक्टर होगा। दोनों का डिफरेंस क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर देता है, क्या देता है वो आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या फिर सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो या तो फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, चेंज बराबर क्या होता है, कहीं भी आपको चेंज अगर पूछा, क्या पूछा आपसे, चेंज लिखो चेंज कितना हुआ, क्या आपसे पूछा चेंज, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज जब भी आपको निकालते हैं, जैसे मान लो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे, ठीक है। मान लो चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी मैं आपको ऐसे चेंज को जनरलाइज करके लिख दिया हूं, चेंज को कैसे लिख दिया हूं, जनरलाइज करके लिख दिया हूं, क्योंकि चेंज से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपके सामने ही आएगा अभी, ठीक है। चेंज कैसे लिखते हैं आपको, तो चेंज लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। और एक और बात, ये आपको बड़ा नया नया लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा देर में भाई तो क्वेश्चन देख ले, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेगा समझ में अच्छे से आ जाएगा तेरे को, ठीक है। इसलिए डरना मत, सर क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। अच्छे से देखो वीडियो लेक्चर, पूरे अच्छे से देखो, थ्रोली पूरे अच्छे से देखिए वीडियो लेक्चर को, ठीक है। एट द एंड ऑफ चीज़ को हम हर चीज़ को अच्छे से कंक्लूड करके आपको समझा देंगे, क्योंकि हम लोग का ये एक्चुअली जो ये क्लास है, ये एक्चुअली वीडियो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। इसमें वो क्लास रूम वाला फीलिंग्स तो मतलब लाने में बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है,
बट क्लास का बात क्या होता है ना कि आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट फिजिकली क्वेश्चन खड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये कैसे कर दिए आप, ये कैसे कर दिए। बट यहाँ पे क्या है ना, ये वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूँगा और आप सुनोगे, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। इस चैप्टर के बाद से ये जो वेक्टर ख़त्म होगा, इसके बाद से आपका सिंपल फिजिक्स स्टार्ट होगा और वो फिजिक्स आपको ज़्यादा ईजी लगेगा इससे, ठीक है। क्योंकि अभी लोग फाउंडेशन को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फाउंडेशन को। और ये जो वेक्टर वेक्टर है ना, ये आपको हर चैप्टर में आएगा, ठीक है। धीरे 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 आपका वेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज़ होगा ना। मान लो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेक्टर कम भी सीखे तो नेक्स्ट चैप्टर में वो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से देख लो भाई, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल वन से टू की तरफ गया, ठीक है, तो क्या होगा, पोजिशन फैक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, आर टू माइनस आर वन, मतलब इस पॉइंट का पोजिशन फैक्टर माइनस दिस पॉइंट का पोजिशन फैक्टर। वो कैसे बोले, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। या कहीं भी आपको चेंज बोला पूछा, मान लो चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया, चेंज इन एक्सीलरेशन पूछ लिया, कि कुछ भी पूछा, तो चेंज बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना आपको। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे ही देता हूं, किस पर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे ही। देखो अच्छा चल इसी पे देख लो, आपको यहां पे आर वन वैक्टर क्या था, यहां पे देखोगे तो आपका आर वन वैक्टर क्या होगा, ये एक्स वन कॉमा वाई वन का था पोजिशन का पोजिशन वैक्टर था ना, तो आर वन वैक्टर क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। उसी तरह आर टू वैक्टर क्या होगा, याद मैं फिगर वैसे मिटा दिया हूँ, वो एक्स टू कॉमा वाई टू का पोजिशन वैक्टर था ना, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, है ना। तो देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होगा या फिर आर टू वन वैक्टर जो होगा वो क्या होगा, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। आर टू वैक्टर क्या है, आर टू वैक्टर बोलो, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन क्या है आपका, सॉरी आर वन वैक्टर क्या, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई वाले को आई के साथ रखो और जे वाले को जे के साथ रखो, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, आर टू वन। देखो उसको जब तोड़, क्योंकि मैं फिगर मिटा दिया हूँ इसलिए मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, वैसे होता फॉर्मूला यही है। अब ये सब का वैल्यू वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, आपको ये आएगा, क्वेश्चन में देख लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। अगर मान लो 3D का बात होता है, किसका बात होता है, 3D का, 3D में मतलब एक्स वाई जेड तीनों होगा, तो हम जो लोग जो पॉइंट माने थे वो एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, जो पॉइंट वन और पॉइंट टू माने थे, एक्स वन वाई वन माने थे। अगर 3D ले लो मतलब उसमें एक्स वाई जेड तीनों हो तो क्या होगा, तो क्या इसमें एक और टर्म बढ़ जाएगा के वाला, तो उस केस में क्या होगा आपका। अगर मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट वन से पॉइंट टू जा रहा है, पॉइंट वन से पॉइंट टू जा रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन है, और इसका पॉइंट मान लो एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू है, आपसे पूछा पोजिशन वेक्टर बताओ, आर टू वन वेक्टर बताओ, ठीक है, तो क्या होगा, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर सेम इसी, इतना सारा प्रोसेस कर लोगे, ठीक है, होगा क्या वो आपका आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अरे यार वन से टू के जा रहा तो टू फाइनल पोजिशन हुआ और वन क्या हुआ, इनिशियल पोजिशन ना, तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन ना, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, और इसको ये सब का वैल्यू वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा आपका, आपका आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। देखो आई कैप जे कैप के कैप समझ रहे हो ना यार, ये बड़ा मतलब पूरे फिजिक्स में चलेगा, आई जे के पूरे फिजिक्स में चलेगा आपको। तो मैं आपको बता दें आई जे के क्या है, एक्स एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप, सिंपल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, देखो इस तरीके से सपोज करो क्वेश्चन, ए पार्टिकल
displaced from 1,3,5 to 3,2,1। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, ये 3D वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा फाइंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। आपसे क्या पूछा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ और फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ। एंड इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सॉल्यूशन देखो इसका, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन और ये पॉइंट नंबर टू। तो क्या पॉइंट देख करके डायरेक्ट पोजिशन वेक्टर लिख सकते हो ना भाई? कौन सा इनिशियल पोजिशन होगा? ये यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग वाला पोजिशन यही हुआ ना, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पोजिशन, इनिशियल पोजिशन वेक्टर। और यहां से फाइनल पोजिशन वेक्टर लिख लोगे। अब तुम सिखाया था जब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बता दो, यहां बता दो इनिशियल पोजिशन वेक्टर क्या होगा? ये है आपका, तो पोजिशन यही है ना, पॉइंट यही है। क्या होगा? वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। ठीक है, अच्छा फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या होगा आपका? ये वाला। ठीक है, क्या लिखोगे बोलो? वेक्टर फॉर्म लिखो, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस वन के कैप। ठीक है, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो। क्या लिखो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। ठीक है, करोगे तो याद रखिएगा, हमेशा आई आई में जोड़ घटा होगा, जे जे में और के के में। ऐसा नहीं कि सर आई और जे को जोड़ दिए। थ्री आई प्लस टू जे बराबर फाइव नहीं होता है भाई, याद रखना। थ्री आई प्लस फोर जे बराबर आप सेवन नहीं लिख सकते हो। ये थ्री किस किस डायरेक्शन में? एक्स में। और फोर किस डायरेक्शन में? वाई में। थ्री प्लस फोर आप सात नहीं लिख सकते, मैं यही आपको वेक्टर में समझाया हूं। ठीक है, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया आपका। तो डिस्प्लेसमेंट ये सब पुट करो और निकाल लो आंसर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बताना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा? थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप माइनस इनिशियल कितना है? आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। तो इससे चलो आई को आई के साथ सब्सट्रैक्ट कर लो। देखो थ्री आई माइनस आई, अरे ये माइनस अंदर आएगा तो सब माइनस हो जाएगा ना। तो थ्री आई माइनस आई कितना होगा? टू आई कैप प्लस, देखो टू जे कैप माइनस, ये माइनस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस थ्री जे कैप। टू माइनस थ्री माइनस वन ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन वन जे कैप। ठीक है, उसे देखो प्लस के कैप माइनस फाइव के कैप, तो कितना हो जाएगा? ये वन है, वन माइनस फाइव कितना हो गया? माइनस फोर। तो माइनस फोर के कैप। तो यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप। या तो डायरेक्ट देखो, तेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी था ना। ठीक है, क्या था फॉर्मूला बोलो? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है, आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। आप इतना ना करके डायरेक्ट कर सकते थे डायरेक्ट। अरे यार, टू वन लिखा हुआ था। ठीक है, तो टू कौन सा पोजिशन था फाइनल और वन कौन सा पोजिशन था इनिशियल? अरे वन टू सब तो फॉर्मूला नोटेशन के लिए यूज होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आपको बहुत जगह ए पॉइंट पे बताएं तो ए मतलब क्या होता है? कोई एक जगह कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ए तो बस क्या है, नोटेशन के लिए यूज किए हम लोग। किसके लिए यूज किए? नोटेशन के लिए। अगर सपोज करो, अगर दो पॉइंट का अगर आपको पार्टिकल मतलब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो क्या आप पोजिशन वेक्टर दोनों में लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आई जे के फॉर्म में लिखना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पीछे जाओ, वीडियो लेक्चर फिर से देखो, समझ में आएगा। वेक्टर थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है, ठीक है, और वेक्टर यूज बहुत ज़्यादा है। आप सोचो ना, वेक्टर ऐसा चैप्टर है कि जो मैथमेटिक्स में भी है ना, हम लोग सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, क्लास ट्वेल्थ में। फर्स्ट ईयर में इसको नहीं बताया जाएगा आपको मैथमेटिक्स में, आप पढ़ ही नहीं पाओगे मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को, क्योंकि हमको फिजिक्स मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स विदाउट वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है, मैकेनिक्स विदाउट वेक्टर
पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मतलब फिजिक्स में इसको पहले आपके फिजिक्स के मतलब कंटेंट में ही इसको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बट अब अगर आप देखोगे तो हम लोग जो इसको जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो हम लोग सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते हैं, और अच्छा खासा मतलब लंबा चौड़ा चैप्टर ही है, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे IIT JEE में और JEE मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आता है वेक्टर 3D पे, और बहुत मस्त मस्त दमदार क्वेश्चन आता है, बच्चे का प्राण निकल जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में IIT में, ठीक है। वैसे आप लोग मेडिकल के हैं, जो भी इंजीनियरिंग के हो, टेंशन मत लीजिए, हम लोग जितना फिजिक्स में यूज़ करेंगे उतना हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ मान लो कुछ समझ में नहीं भी आया ना, ठीक है, तो हम जब आगे पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर हम कैसे किए थे, ठीक है। वहाँ पर आपको 100% आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाए दोस्त। और किस किस को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर, ठीक है। हो सकता है कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्या बता रहे हो सर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दिए, और पोजीशन वेक्टर भी आपको लिखना सिखा दिए हम। अब लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, धीरे धीरे आपको फील आएगा वैक्टर का, किसका फील आएगा, वैक्टर का। ये देखो सपोज करो एक वेक्टर है आपका वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए आपका इस तरीके से है, वेक्टर ए बराबर मान लो 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, ठीक है। एक बात याद रखना, हर वेक्टर को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, IJK के फॉर्म में ही सारा वेक्टर लिखाता है आपका। अच्छा आप ये तो नहीं सोच रहे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ही सिर्फ IJK के फॉर्म में लिखाता, नहीं 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 नहीं, नहीं। हर वेक्टर IJK के फॉर्म में लिखा आएगा, हर वेक्टर IJK के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। इस बात को एकदम अच्छे से फेविक्विक लगा के चिपकाओ यहाँ पर, ठीक है। कोई वेक्टर सपोज करो वेक्टर ए बराबर इस तरीके से है, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर i कैप + j कैप + k कैप इस तरीके से, ठीक है। आपसे क्या पूछा, फाइंड फाइंड मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, सुनो दूसरा मॉडुलस ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, चौथा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, एंड पांचवा ये सब आपको बताना, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन बहुत सारा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको आपको निकालना है तो निकालो यार, कुछ भी नहीं है इसमें। तरीका सुन लीजिए, सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता दो, यहाँ से क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होगा, √x² + y² + z² एक्स की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है, और z की जगह पे 4 है, तो क्या होगा 2² + 3² + 4² सिंपल, कितना होगा 4 + 9 कितना हो गया, 9 + 4 = 13, 13 + 16 कितना हो गया 29, √29, बाकी तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, √x² + y² + z², अरे कोई वेक्टर x i कैप + y j कैप + z k कैप के फॉर्म में होता है तो उसका मॉडल्स कैसे लिखते हैं, √x² + y² + z² लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो उसमें क्या सोच रहा है, तो बता दो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 1 है, y की जगह पे 1 है और z की जगह पे 1 है, तो क्या होगा 1² + 1² + 1² तो कितना हो गया √3, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी पूछा आपसे, ये पूछा है ना। देखो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी के लिए आपको पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा ना, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी याद रखना आई वाला आई के साथ ही जोड़ घटा होता है, ठीक है, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, इस दोनों वैक्टर को सम करना है आपको ना, इसी का फिर मॉडुलस ले लेना, ठीक है, तो इस दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो कर लो कितना हो जाएगा, ए कितना आपका 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, अरे बोलो यार, सॉरी आप कैसे बोलोगे, +i कैप + j कैप + k कैप, देखो i i के साथ जुटेगा j j के साथ जुटेगा और k k के साथ जुटेगा, ठीक है। देखो i + 2i 3i + 3j + j कितना हो जाएगा 4j कैप + 4k कैप + 5k कैप, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, देखो वेक्टर ए प्लस बी यही है ना आपका,
तो इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। एक्स क्या है, थ्री है, वाई क्या है, अरे वाई के सॉरी जे है ये, ठीक है, जे का जो कोफिशियंट है वही क्या होता है वाई, और के का जो कोफिशियंट होता है वही क्या होता है जेड, तो क्या हो जाएगा बोलो, रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना यार, ऐसा तो नहीं ना कि मैं खुद समझ रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोल लो, नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी रूट फिफ्टी। बाकी इसमें तोड़ फोड़ के लिख सकते हो, तुम मैं उतना नहीं जा रहा हूँ इन डेप्थ। अब देखो आपको क्या निकालना है, वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी निकालना है या नहीं निकालना है, तो पहले वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी निकाल लो, वैक्टर ए और वैक्टर बी को यहाँ पर लिखो, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है, माइनस बी फैक्टर कितना है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, सॉरी प्लस है ना ये सब, तो करोगे तो ये माइनस अंदर घुसे तो हर टर्म माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस टू आई कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस थ्री थ्री जे कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस माइनस के कैप कितना हो जाएगा, प्लस थ्री के कैप। तो बता दो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अरे यहाँ पे एक्स आई का कोफिशिएंट कितना है, वन है, कुछ नहीं तो वन है, ये आंसर हो गया आपका। ये कितना हो, फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, रूट फोर्टीन इज आंसर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस बी, अगला क्या है मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस बी। देखो आप एक फॉर्मूला क्या जानते हो, सुनो आप एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला आप लिखे थे इसको कहीं पर, आपको हम लिखाए थे एनालिटिकल मेथड, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कर लो नोट डाउन पहले, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। देखो ठीक है, आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का जो मॉडुलस होता है, मतलब रिजल्टेंट, अरे ए प्लस बी क्या होगा, रिजल्टेंट हुआ ना, का मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, होता है नहीं होता फॉर्मूला, अरे आर बराबर ये होता है ना, और आर क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो क्या पे लिखूँ मैं, यहाँ पे देखो आर वैक्टर बराबर क्या होता है, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी अगर होता है आपका, हाँ, तो मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते आप, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या आप लिख सकते हैं आर, आर बराबर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, मतलब मॉडुलस ऑफ आर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, होता है नहीं होता है, अरे यार आर वैक्टर की जगह क्या तुम लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, लिख सकते हो इसको यहाँ पे, तो वही तो मैं भी यहाँ लिखा हूँ ना, क्या समझ आया, बोलो बोलो, आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो देखो इसका वैल्यू कितना है, रूट फिफ्टी, इसका वैल्यू कितना है, रूट फिफ्टी, रूट फिफ्टी, और देखो एक ए का वैल्यू कितना है, मॉडुलस ऑफ ए कितना है, ए निकालना है रूट ट्वेंटी नाइन, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया ट्वेंटी नाइन, प्लस बी का वैल्यू कितना है रूट थ्री, तो स्क्वायर करोगे तो थ्री हो जाएगा, प्लस टू इंटू ए का वैल्यू कितना है रूट ट्वेंटी नाइन इंटू बी का वैल्यू कितना है रूट थ्री इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 50 बराबर कितना हो गया, 29 प्लस 3 कितना हो गया 31, 32 सॉरी, प्लस 2 इंटू 29 इंटू 3 कितना हो गया 29 इंटू 3 तो कितना हो गया 87, 87 तो रूट रूट 87 कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 32 18, 18 बराबर कितना हो गया 2 रूट 87 कॉस थीटा, वाई नहीं हुआ, तो देखो इस सारे टर्म को इधर कर लो तो 18 अपॉन टू रूट 87, अरे कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, ठीक है, कहीं पे मिस्टेक विस्टेक हो गया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, खुद से चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर कितना हो गया आपका, ये तो ये कुछ कुछ कटेगा, टू से कटेगा, टू वन जा टू टू नाइन जा तो कितना हो गया आपका कॉस थीटा बराबर हो गया 9 बाई रूट 87, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो गया कॉस इनवर्स 9 अपॉन 87 रूट 87 एक्चुअली, दिस इज आंसर एंगल बिटवीन, अच्छा नहीं हर बार ऐसा एंगल आ जाए जो आप निकाल ही लोगे यार,
ठीक है, क्योंकि आप किसका किसका वैल्यू जानते हो, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का वैल्यू जानते हो ना, आप हर वैल्यू तो नहीं जानते हो ना, ठीक है, तो ये कुछ होगा, कुछ अलग टाइप का वैल्यू होगा, ठीक है, ये मान लो कुछ आ रहा होगा 10 डिग्री, 5 डिग्री आ रहा होगा, तो इसका वैल्यू आप नहीं जानते, आप मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो, 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो आप 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब आप निकाल सकते हो, वो भी मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है कि ये वैल्यू आपके लिए मतलब कैलकुलेटर से पैसे निकाल के देख लेना कितना डिग्री आ रहा, जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में एज इट इज पुट कर देना आ जाएगा, ठीक है, क्या ये अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन, बोलेंगे आप लोग क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको, देखो कोई भी वेक्टर को हम लोग आई जे के फॉर्म, आई जे और के फॉर्म में लिखते हैं, अगर कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में होता है तो उसका मैग्नेट मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है, और अगर डायरेक्शन वैक्शन के बारे में पूछ लिया आप तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देना, वही डायरेक्शन होगा, अगर 3D आई जे के होगा तो क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, अगर सिंपली आपका 2D होगा मतलब एक्स और वाई होगा तो टेन थीटा निकाल देना, वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा बराबर क्या होता है वाई अपॉन एक्स, वो निकाल देना खाली, सिंपल, टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है, तो चलो ये सेम क्वेश्चन आपको मैं बस डाटा को चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारा काम आपको खुद से करना है, बस मैं डाटा को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अरे प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे ना यार, प्रैक्टिस करोगे तो तभी तो सीखोगे, मैं आपको दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन, ये ले लो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, और ये ले लो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये ले लो, ठीक है, और आपको है ना पूरा पूरा आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, सेम ये सब सारा चीज निकालना है, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये सब निकालिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जांपल्स में आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट पे मल्टीपल फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो थीटा वन एक्स से थीटा वन एंगल पे एफ वन फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, मान लो एक्स से थीटा टू एंगल पे नीचे की तरफ एफ टू फोर्स इस तरफ लग रहा है, मान लो वाई एक्सिस से थीटा फोर एंगल पे नीचे से थीटा फोर एंगल पे इस डायरेक्शन में एफ फोर फोर्स लग रहा है, अगर सपोज करो एफ थ्री फोर्स एक्स एक्स से थीटा थ्री एंगल पे इधर से थीटा थ्री दिया हुआ है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपसे पूछा फाइंड एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें वैल्यू वैल्यू दिया होगा, वैल्यू वैल्यू दिया होगा तो आप खुद से कर लोगे, वैसे मैं तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, ये जो एफ वन एफ टू, ये मान लो 10 न्यूटन होता है, ये 5 न्यूटन होता है, ये 25 न्यूटन होता है, ये मान लो 100 न्यूटन होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये मान लो 60 डिग्री होता है, ये मान लो 45 डिग्री होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता, ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, एफ नेट, अब क्या निकाले, एफ नेट, एफ नेट मतलब टोटल फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो नेट निकालने का एक और तरीका होता है, कंपोनेंट में तोड़ो इसको, किस में तोड़ो, कंपोनेंट में तोड़ो, देखो मैं इसी फिगर में बना दे रहा हूं, पहले आप लोग अच्छे से फिगर बना लो, ठीक है, और सॉल्यूशन का फिगर अलग से बना लेना, मैं इसी फिगर को यूज कर रहा हूं, आप इस फिगर क्वेश्चन का फिगर रखना, मतलब ऐसे स्टार मार के लिखना, और एक नीचे है ना जो मैं अब करूंगा उसको एक और फिगर बना के उसमें नीचे करना, ठीक है, देखो यहां पे अब मैं करने लगा, ये जो आपका है ये वाला जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस, सॉरी ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो सब ये एक्सिस को मैं लंबा कर दे रहा हूँ एक्स एक्सिस को, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, अब देखो एफ टू का, एफ टू को दो कंपोनेंट टूटेगा ना, एफ टू एक तो इधर टूटेगा, इधर कितना होगा, एफ टू देखो थीटा इसके साथ पढ़ाना, तो एफ टू कॉस थीटा, एफ टू कॉस थीटा टू होगा कि नहीं होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा ये, एफ टू साइन थीटा टू, अरे इसको तोड़ दी दो कंपोनेंट, देखो थीटा एंगल बना रहा, मैं आपको कंपोनेंट लिखने सिखाया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ क्या जाता है, थीटा कॉस थीटा, तो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा टू बना रहा है, ठीक है, और इधर है एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, तो देखो एफ टू इधर इधर कितना कंपोनेंट होगा, एफ टू कॉस थीटा टू और इधर एफ टू साइन थीटा टू, चलो अब देखो एफ वन को तोड़ो, एफ वन को, अच्छा मैं रेड पे ब्लू पेन से बना दे रहा हूँ, ठीक है, एफ वन को तोड़ोगे तो देखो एफ वन का एक कंपोनेंट इसमें आएगा दूसरा कंपोनेंट इसमें आएगा, इसमें कितना आएगा आपका एफ वन,
ये एफ टू है ना, इसको एफ टू लिख लो, ठीक है। इधर कितना है, एफ वन कॉस थीटा वन, अरे यार थीटा इसके साथ बना रहा है एंगल, तो कॉस इसके साथ होगा, और इसके साथ कितना जाएगा, एफ टू कॉस थीटा वन, सॉरी एफ वन है ना, साइन होगा, सॉरी, अरे इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, एफ वन साइन थीटा वन ना होगा कि नहीं होगा। अब एफ थ्री को तोड़ लो, एफ थ्री को तोड़ोगे देखो, एफ थ्री का एक कंपोनेंट इसमें आएगा, एक कंपोनेंट इसमें आएगा, देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, तो इसके साथ कितना होगा, एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, इधर कितना होगा, एफ थ्री साइन थीटा थ्री, ठीक है। देखो एफ थ्री का दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, उसी तरह एफ फोर का देखो दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर, तो इधर कितना होगा, इसके साथ एंगल है तो कितना होगा, एफ फोर कॉस थीटा फोर, और इधर कितना होगा, एफ फोर साइन थीटा फोर। तो हम सारे फोर्स को तोड़ दिए ना, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए, अब हमको इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखता तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर कौन कौन सा फोर्स है, इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है। अब देखो हम सारे कंपोनेंट वाले फोर्स को लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये फोर्स इसमें लिख लिए, इसमें लिख लिए, तो ये फोर्स का कुछ मतलब तो बना नहीं। अब इधर वेक्टर है और इधर कंपोनेंट ने तोड़ लिए वेक्टर को, तो एक्चुअली देखोगे तो इधर कितना है, इधर कौन कौन सा फोर्स है, एफ टू कॉस थीटा टू, और कौन सा फोर्स है, एफ वन कॉस थीटा टू, है नहीं है। अच्छा इधर कौन कौन सा फोर्स है, नीचे देखो एफ टू साइन थीटा टू, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कॉस थीटा वन है, एक दूसरा क्या है टू, अरे ये थीटा वन थीटा टू अच्छे से लिख लेना, इधर क्या होगा, एफ टू साइन थीटा टू और एफ फोर कॉस थीटा फोर, एफ फोर कॉस थीटा फोर, ठीक है। अब देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एफ वन साइन थीटा वन और एफ थ्री साइन थीटा थ्री, एफ वन साइन थीटा वन, दूसरा कौन सा है, एफ वन एफ थ्री है, सॉरी एफ थ्री साइन थीटा थ्री, साइन थीटा थ्री, और इधर कितना है बता दो, एफ फोर एफ फोर साइन थीटा फोर, और कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो एफ फोर साइन थीटा फोर, दूसरा एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, ठीक है, ये हो गया आपको। अरे यार इसको तोड़ दिए तो कंपोनेंट में यही सब हुआ ना, फोर्स आया एक्स, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है वाई, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसको हम एक तरफ करके लिख रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस में इधर कौन कौन सा फोर्स है, एक एफ वन कॉस थीटा वन, दूसरा क्या एफ टू कॉस थीटा टू, और इधर कौन कौन सा कंपोनेंट है, एफ फोर साइन थीटा, एफ फोर साइन थीटा फोर एंड एफ थ्री साइन, एफ थ्री कॉस थीटा थ्री इधर है, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही डायरेक्शन में सबको लिखो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस दिस, अरे यार देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है, तो डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं ना भाई, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है आपका, यहां पे देखो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है आपका, एफ वन कॉस थीटा वन, ठीक है, प्लस एफ टू कॉस थीटा टू, अरे इधर वाला फोर्स, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, एक डायरेक्शन में जो होता है वो जोड़ देते हैं ना, ठीक है, और उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है, ये वाला। तो आपको हम सिखाए थे जब कोई दो फोर्स के बीच में, मतलब वेक्टर के बीच में 180 होता है तो डायरेक्ट माइनस करके कर लो, अगर जीरो होता है तो डायरेक्ट सम कर लो, तो देखो इस दोनों में जीरो एंगल है तो डायरेक्ट समेशन हो गया, इसमें क्या है और इस दोनों में क्या है 180 है, तो इसको माइनस करेंगे ना नेट लिखने के लिए, तो माइनस माइनस दिस, ये भी क्या है आपका, एफ फोर साइन थीटा फोर प्लस एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस में जो आपका नेट फोर्स होगा वही होगा ना, यही टोटल होगा ना। अच्छा ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, मैं वैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, इसमें क्वेश्चन क्या होता है बहुत सिंपल आएगा, क्वेश्चन में बताऊंगा बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। वैसे ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एससी प्रॉब्लम मिलेगा, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर, तो कन्फ्यूज नहीं होने के लिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बना करके, ये थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर इतना सारा थीटा, ये घबराना मत थीटा देख करके, ये बस समझाने का ये तरीका, खाली तू समझ गया ना तो वेक्टर में फोड़ देगा, वेक्टर में फोड़ दोगे तुम। अच्छा देखो इस इधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं टोटल लिखते हैं हम लोग, ऊपर वाला सम कर लो कितना होगा, एफ वन प्लस सॉरी एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ थ्री साइन थीटा थ्री,
ये दोनों ऊपर में लग रहा था तो जुड़ गया। अब देखो ये दोनों नीचे लग रहा था तो ये दोनों जुड़ गया। नीचे की तरफ क्या है, एफ टू साइन थीटा टू प्लस एफ फोर कॉस थीटा फोर नीचे की तरफ है। तो नेट लिखोगे तो माइनस करके लिखोगे ना, ऊपर में क्या लिखोगे आप, एफ टू साइन थीटा टू प्लस एफ फोर कॉस थीटा फोर लिख लिया आप, ठीक है। अब देखो तो यहां पर नेट फोर्स अगर लिखना है तो देखो इसका जो नेट है, जो भी नेट हुआ आपका, एक्स डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन क्या है ये वाला फोर्स है, और वाई डायरेक्शन में ये वाला फोर्स आया ना, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, एफ नेट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे एफ नेट, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी आया आई कैप इंटू वाई डायरेक्शन में जो भी आया इंटू जे कैप, वही आंसर हो गया आपका। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या आया बताना, एफ वन कॉस थीटा वन प्लस एफ टू कॉस थीटा टू माइनस एफ फोर एफ फोर साइन थीटा फोर प्लस एफ एफ थ्री कॉस थीटा थ्री आई कैप, अरे ये एक्स वाला कंपोनेंट है ना, इनटू आई कैप प्लस, ठीक है वाई एक्सिस में क्या है, एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ थ्री साइन थीटा थ्री माइनस एफ टू साइन थीटा टू प्लस एफ फोर साइन थीटा फोर जे कैप, ये हो गया आपका एफ नेट, नेट फोर्स यही हो गया, नेट फोर्स यही हो गया। देखो आई और जे के फॉर्म लिख लेना, और ये सब सब वैल्यू होगा यार, कुछ नोम ये सब पूरा सॉल्व करो, कुछ न्यूमेरिकल वैसे मैं समझाने के लिए बोल दे, ये सब का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट रहता है, और वो वैल्यू पुट करोगे तो कुछ नंबर आएगा, दो चार पाँच, ये टू आई कैप प्लस फोर जे कैप के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसलिए घबराइएगा मत, सर आप क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इजी बात इजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ भाई मैं आपको। तो मैं वो क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी वेक्टर को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, किस जब भी नेट पूछा जाए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन पूछा जाए, नेट पूछा जाए, तो हमेशा क्या करो उसको आप कंपोनेंट तोड़ो, उस तरीके से भी कर सकते हो। एक तो तरीका आपको एनालिटिकल मेथड था दो वेक्टर का, इसमें एक्चुअली कितना वेक्टर था, चार था ना, एक दो तीन चार, तो दो के लिए तो एनालिटिकल मेथड आप बहुत ईजिली कर देते हो, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा होगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना, तो इस तरह से कंपोनेंट तोड़ करके हम लोग लिखते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, याद कुछ नहीं करना है इसमें, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तू क्वेश्चन बनाओगे समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये तरीका होता है, अगर नहीं आया समझ तो एक बार फिर से देखो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको दो फोर्स दिया हुआ है, एक 10√2 न्यूटन जो 45 डिग्री पर एक्स एक्सिस से लग रहा है, ठीक है इस पॉइंट पर, और एक 10 न्यूटन फोर्स है जो 30 डिग्री वाई एक्सिस से लग रहा है, वाई एक्सिस से कितना डिग्री पर लग रहा है, 30 डिग्री पर लग रहा है। तो आपको बोला कि आपको निकालना है एफ नेट, क्या निकालना है एफ नेट फाइंड आउट करना है एफ नेट। तो फिगर अच्छे से पहले बना लो, ठीक है। अब सॉल्यूशन का फिगर अलग से बनाना, ये क्वेश्चन का फिगर हो गया, सॉल्यूशन का फिगर अलग से बनाना। अब देखो सॉल्यूशन का फिगर मैं इसी पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बट अलग से करना होगा। चलो अब देखो ये फोर्स इसे 10√2 एंगल बना रहा है एक्सिस से, उसको कंपोनेंट में तोड़ो, किसमें तोड़ो कंपोनेंट में, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, इसका 10√2 cos 45 होगा कि नहीं होगा, और वाई कंपोनेंट कितना आएगा इस फोर्स का, 10√2 sin 45 होगा या नहीं होगा, इसको तोड़ लिए जैसे वहां पे तोड़ के बताए थे तुमको, ठीक है। वो तो ऐसे जनरलाइज करके मैं बताया, वो समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम समझ में आएगा आपको, ठीक है। और वहां पे चार फोर्स था, यहाँ पे कितना फोर्स है, मात्र दो ठो, तो ऑब्वियसली बात ये थोड़ा सा ईजी लगेगा, हम लोग दो तीन चार भी करेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब चलो इसको तोड़ो, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर दूसरा इधर, इधर कितना होगा 10 cos 30, कंपोनेंट तोड़ना सिखाया हूँ यार मैं, ठीक है। इधर कितना होगा 10 sin 30, तो देखो इसको ले देखोगे तो कितना हो जाएगा 10√2 into cos 45 1/√2, तो ये 10 हो गया 10 न्यूटन, ये भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, अरे यार देखो 10√2 into sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाए तो 10 बचेगा ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 10 into cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो गया 5√3, है ना, ये 5√3। अच्छा ये कितना हो गया आपका 10 sin 30, ठीक है, तो ये कितना हो गया साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 5, इसका वैल्यू कितना हो गया 5। तो देखोगे यहाँ पे तुम एक्सिस से देख लो, तो देखो इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना आया कंपोनेंट 10, इधर कितना आया ये एक्स है और ये वाई है, इधर कितना आया 10,
अच्छा इधर कितना आया, 5, और इधर कितना आया, 5√3, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, सबको एक्स को एक तरफ लिख लो और वाई को एक तरफ लिख लो, ठीक है, वाई को क्या लिख लो, एक तरफ। तो इधर लिखो तो कितना हो जाएगा, 10 − 5 कितना हो गया, 5 ना, ऐसे लिख सकते हो, 10 − 5 = 5, ठीक है, इधर 5 न्यूटन हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 5√3 − 10, ये ऐसे लिखो। देख भाई फिर से समझ, शायद तुम यहां पे कंफ्यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। देख मैं इस दोनों फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ दिया भाई, एक्स एक्सिस के इधर लग रहा है 10 न्यूटन और एक्स एक्सिस के इधर लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। देख एक्स एक्सिस के इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर 5 और इधर 10, तो नेट कितना लगेगा, इधर 5 लगेगा ना, अरे 10 − 5 तो नेट इधर कितना लग रहा है, 5। तो क्या तू ऐसे लिख सकता है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर 5 न्यूटन हुआ, मतलब 10 − 5, ऐसे लिख लो, 10 − 5 कर लो, ज्यादा समझ आएगा, 10 − 5। और इधर कितना लगेगा, देखो वाई एक्सिस में 5√3 ऐसे लग रहा है और 10 ऊपर लग रहा है, तो नेट कितना लगा, 10 − 5√3, 10 − 5√3, तो यही तो नेट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हुआ बताना, इधर कितना लग रहा है, 10 − 5√3 और इधर कितना लग रहा है आपका, 5, ठीक है। तो देखो यही तो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, 5 है, और नेट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है 10 − 5√3 है। तो नेट एफ नेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, तो एक्स कंपोनेंट कितना, 5, 5 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना है, 10 − 5√3 जे कैप, तो यही तो एफ नेट हो गया ना आपका वेक्टर फॉर्म में, दिस इज आंसर, ठीक है। इतना इजी था, अगर आप जाओगे उस मेथड से निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, आएगा यही आंसर आपका, ठीक है। अब नेट निकाल लो, एफ नेट कितना होगा आपका, एफ नेट अगर निकालोगे भाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर कितना है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 10 − 5√3 है भाई एक्चुअली, तो 10 − 5√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एफ नेट हो गया। इसको कैलकुलेशन वैलकुलेशन करके थोड़ा तो गंदा सा आएगा आंसर, तो कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। देखो हम आपको यहाँ पे दो दो वैक्टर से समझाएं, ठीक है, दो से समझाएं, जरूरी नहीं कि दो ही से होगा, 3 भी हो सकता है फोर्स, 4 भी फोर्स हो सकता है, तो मैं आपको 4 पहले तो 4 से समझाया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं मैथड यही होता है भाई, बहुत ईजी काम है, आपको मेन यही वाला मैथड सीखना है, ठीक है। और एनालिटिकल मैथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, किस मैथड से, एनालिटिकल मैथड से, कैसे करते, देखो दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर दूसरा ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड पता है आपको, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 + 45 + 30, तो थीटा पर मिल गया ना, यही तो थीटा है ना यार, थीटा निकाल लो, तो रिजल्टेंट नेट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट दिस स्क्वायर प्लस 2 × दिस × दिस × cos थीटा, वैल्यू पुट करो यही आएगा वैल्यू आपका, ठीक है, क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और देखो और भी क्वेश्चन करने का तो मूड है बट थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप लोग इरिटेट होने लगते हैं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, एंड थैंक यू, और बी एनर्जेटिक, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, एनर्जेटिक रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, एंड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में नहीं भी आ रहा, मे बी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही कि क्योंकि हम फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स के हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, मैकेनिक्स के स्टार्टिंग से ही इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ मोशन इन 1D में ये यूज़ नहीं होगा, बाकी हर जगह यूज़ होगा, आपको हर चैप्टर में यूज़ होगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है, वेक्टर आपको आना चाहिए, और वेक्टर में 2-3 क्लास और बचा होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है, या फिर एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, दोनों से जो चैप्टर मन करेगा खोल देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, थैंक यू एंड एनर्जेटिक रहो और अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जो क्लास आपका ऑनलाइन हो गया वो फिर ऑफलाइन में भी क्लास होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई, ऑनलाइन जो पढ़ चुके हैं आप बस हो गया, उसको फिर से दोबारा कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, क्योंकि कोचिंग आज नहीं तो कल खुलेगा ही ना, आज नहीं तो कल हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही ना, ठीक है, तो उस समय ये सब चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलो थैंक यू आज के लिए एंड गुड लक, बहुत सारा गुड लक आपको, ठीक है, अच्छे से मेहनत